तो फिलहाल इसमें से सब चीज़ हम लोग निकाल रहे हैं, पैकिंग गड़बड़ हो गया है क्या, और ये देखिए चूड़ी सब मम्मी सेलेक्ट कर रही है कौन ले। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अभी फिलहाल बज रहा है 10, और गाइस हम लोग नानी घर जाने वाले हैं शादी में, तो फिलहाल पैकिंग करते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल हम नहा लिए हैं, मम्मी बोली नहा लो फिर उसके बाद पैकिंग कर लेना, और फिलहाल नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता कर लेते हैं फिर उसके बाद आराम से पैकिंग करेंगे। नाश्ता में है रोटी और बैंगन टमाटर का चोखा और साग। तो चलिए नाश्ता हो गया, अब पैकिंग करते हैं। ये देखिए मम्मी पैकिंग वैकिंग कर भी ली थी, तो इसमें से हम देख रहे हैं हमारा कौन कौन सा रखी है मम्मी, और वैसे सब चीज़ अपने अंदाज से रख दिए। हो गया शर्ट और ये हो गया जीन्स जो कल खरीद के लाए हैं, ब्लैक कलर का है, तो इसको रख ही दो। और भी सब चीज़ पैकिंग वैकिंग कर ली मम्मी अपना, और भी देखते हैं जो भी चीज़ छूट गया उसको भर लेते हैं। जैसे ये देखिए मम्मी कुछ हो गया साड़ी जैसे गिफ्ट देने के लिए होता है ना, तो वो भी ले लिए। इसको निकाल दिया हम साइड, क्योंकि ये अंदर डालेगी फिर इसके बाद ऊपर से उसको डालेगी, और एक ही गो बैग लेकर के चलेंगे, ज़्यादा अच्छा होता है एक गो बैग में। इसीलिए मम्मी इसको मैं अच्छा से दम धाप धाप करके भर रही है सारा सामान को। ये हो गया स्टॉल, इसको भी डाल देगी, क्योंकि ठंडा का मौसम है ना, तो हम लोग चल रहे हैं गाँव पड़ता है जहाँ हम लोग का नानी घर, तो वहाँ थोड़ा ठंडा होगा इसीलिए। तो स्टॉल भी ले लिए हैं और चादर भी, और हम अपने लिए ब्लेजर व्लेजर सब चीज़ भी ले लेंगे। चलिए हो गया, तो चलिए गाइस कपड़ा तो पैकिंग हो गया है, और फिलहाल चलते गाइस हम अपना जूता उता को भी साफ कर लेंगे, उसी को पहन के चलना है। ये देखिए हम अपने जूता को फिलहाल धूप में रख दिए हैं, लग रहा है धोया हुआ ना, बट धोए नहीं है। इसको झाड़ दिए हैं पूरी अच्छा से एकदम बरस से, और साइड साइड से पानी लेकर के सरफ से पोंछ दिए हैं, इससे झाड़े थे एकदम मस्त, पूरे साफ़ हो गया है। तो फिलहाल चलते हैं नीचे, और ये देखिए मम्मी अपना चूड़ी को भी सिलेक्ट कर रही है कौन चूड़ी लेकर के जाना है और कौन चूड़ी कब पहनना है, सारा चीज़ ले रही है। देखिए कितना चूड़ी सबसे बिखरा हुआ है यहाँ पे, और देखिए क्रीम भी ले लिए हैं हम लोग लगाने के लिए। तो गाइस सारा चीज़ तो कंप्लीट हो गया है, बट एक चीज़ छूट गया है मम्मी का, क्लेचर था जो कि कुछ दिन पहले ख़त्म हो गया है, मतलब था लेकिन पुराना हो गया, तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए हम चल रहे हैं मार्केट तरफ क्लेचर को लेने के लिए। तो चलिए दुकान तो पहुंच गए हैं, और यहाँ पे अपना फ़िलहाल साइकिल लगा लिए हैं, तो अब चलते हैं क्लेचर को पसंद करते हैं। वैसे कभी हम पसंद पसंद किए नहीं है, फिर पता नहीं चल रहा हमको इसमें से कौन सा लेना चाहिए। फ़िलहाल इसको देखते हैं ये कैसा है, चलो यही ठीक है। और ये पिन ले लिए और ये दो पिन ले लिए, चलिए पैक कर दीजिए। तो चलिए हमारा सामान तो ले लिए पनीर में, तो अब निकलते हैं गाइस घर। हम आज तो मूर्ति फंसाना ना, तो चारों तरफ डीजे बज रहा है, तो हम किसी प्रकार छुपे छुपा कर आए हुए हैं गली कुछ ही तरफ से, क्योंकि वो लोग साथ में अबीर भी रखता है, उड़ाता है और डांस करता है, तो लगा भी देगा तो क्या ही कर पाइएगा, इसीलिए उधर से ही आ गए हम गली तरफ से। फाइनली गाइस क्लेचर लेकर के तो आ गए हैं, और सारा पैकिंग भी कम्प्लीट हो गया है, और फिलहाल बज गया गाइस 2, तो हम लोग चलते हैं खाना खाने के लिए। खाना तो बन गया, और फिलहाल खाना में खिचड़ी और चोखा, और आलू का चोखा नहीं बना है, तो हम फिलहाल बैगन का ही चोखा ले लिए हैं। चलिए फिलहाल बैठ के खाते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल शाम हो गया है, और हम लोग का सामान वामान सब चीज़ पैकिंग हो गया है, और देखिए मम्मी अभी फिलहाल ये बादाम भूज ली है, और इधर चूड़ा भूज रही है रास्ता के लिए, और दिखाते हैं। ये देखिए सब चीज़ पैकिंग हो गया है बैग में, बस हम लोग को सुबह मॉर्निंग टाइम निकलना है। कब बजे निकलेंगे मम्मी? आए कब बजे निकलना है? 7 बजे। हाँ वही 7 बजे निकलेंगे। तो गाइस चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तो ऐसे फिलहाल शाम में हम जा रहे थे मार्केट तरफ मेडिसिन लेने के लिए, तो यहाँ पर मूर्ति फसान होने लगा, यहाँ पर फिलहाल हम रुके हुए क्योंकि गाड़ी जाम है इधर देखिए, और आगे भी रास्ता ब्लॉक है, तो फिलहाल साइकिल से हम आए, धीरे धीरे निकलते हैं आगे। वैसे आगे तो डांस वंस हो रहा है, साइड साइड निकल ही जाएंगे फिलहाल। तो हम दवाई लेकर कब के तो घर आ गए हैं।